अब इसको लेकर के जब पटना में आंदोलन हुआ, लोगों ने स्ट्राइक किया, तो और ये समझ लीजिए कि ये आंगनबाड़ी में सबसे बड़ा आंदोलन के रूप में इसको जान सकते हैं। अधिकांश जगहों पर स्ट्राइक हुआ तो सब जगह पर स्ट्राइक हुआ, लेकिन चिन्हित करके, जानबूझ करके, सेलेक्ट करके कुछ लोगों को हटाया गया, चयन मुक्त किया गया। और 18,220 जो आप जान ही रहे हैं, तो इनको हटाना एक तो गलत है। किसी को भी आप अपनी मांग को उठाने के लिए आप दंडित नहीं कर सकते। तो उन्होंने स्ट्राइक किया तो इसके लिए आपने उनको हटा दिया, जबकि बिहार जो है एक तरह का लोकतांत्रिक, लोकतंत्र के लिए एक एग्जाम्पल वाला राज्य रहा है। नमस्कार, आप सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। बीते दिन पहले आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हड़ताल पर बैठी हुई थी और सरकार के द्वारा लगभग 18,220 सेविका सहायिका को चयन मुक्त करके और सेवा से बाहर कर दिया गया। हमारे साथ बात करने के लिए माले विधायक संदीप सौरभ जी हैं। सर, आज आप लोग बैठक किए हैं और जो 18,220 सेविका सहायिका को चयन मुक्त करके सेवा से बाहर कर दिया गया है, तो क्या लगता है, क्या कुछ मसला है? देखिए, बहुत पुराना मांग, पुराने समय से मांग थी लोगों की, और सरकार ने ही 2018 में वायदा किया था कि आप लोग को जो अभी पैसा मिलता है उसमें 25% हम लोग बढ़ा देंगे। और जब चुनाव हुआ 2020 का, तो महागठबंधन सरकार के घोषणा पत्र में भी ये बात थी, जो आंगनबाड़ी सेविकाओं का कहना है सही बात है कि हमारे घोषणा पत्र में ये बात थी कि हम आपका वेतन बढ़ाएंगे। अब इसको लेकर के जब पटना में आंदोलन हुआ, लोगों ने स्ट्राइक किया, तो और ये समझ लीजिए कि ये आंगनबाड़ी में सबसे बड़ा आंदोलन के रूप में इसको जान सकते हैं। अधिकांश जगहों पर स्ट्राइक हुआ तो सब जगह पर स्ट्राइक हुआ, लेकिन चिन्हित करके, जानबूझ करके, सेलेक्ट करके कुछ लोगों को हटाया गया, चयन मुक्त किया गया। और 18,220 जो आप जान ही रहे हैं, तो इनको हटाना एक तो गलत है। किसी को भी आप अपनी मांग को उठाने के लिए आप दंडित नहीं कर सकते। तो उन्होंने स्ट्राइक किया तो इसके लिए आपने उनको हटा दिया, जबकि बिहार जो है एक तरह का लोकतांत्रिक, लोकतंत्र के लिए एक एग्जाम्पल वाला राज्य रहा है। जब भी लोकतंत्र के ऊपर कोई आँच आया है तो बिहार सबसे पहले खड़ा हुआ है, और उसी बिहार में स्ट्राइक करने के लिए, हड़ताल करने के लिए अगर किसी को नौकरी से, काम से निकाल दिया जाए तो ये दुर्भाग्य की बात है। इसलिए हम लोगों ने बात की है और सरकार से जल्द हम लोग मिल करके ये मांग करेंगे कि इन सबको दोबारा से वापस लिया जाए। आप भी सरकार में हैं, लगातार आप सेविका सहायिका को लेकर सवाल उठाते रहे हैं, अब समर्थन भी खड़े लगे, लेकिन सरकार की मंशा क्या है? नहीं, देखिए, सरकार तक हम लोग इसको लेकर के ढंग से भी पहुंचेंगे। सरकार की मंशा क्या हो तो सरकार बताएगी, और हमने तो कहा है आज की बैठक में तय हुआ है पूरे बिहार के अलग अलग जिलों से यहाँ पे जो निष्कासित लोग हैं उनके लीडर्स यहाँ पे आए हुए हैं। तो हम सरकार को ये कहेंगे कि भाई, आप एक समय सीमा के अंदर इसको सॉर्ट आउट कीजिए, अन्यथा दोबारा से जो आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं, जो सहायिकाएं हैं, उन सबको लेकर के फिर से दोबारा सड़क पर उतरेंगे। आगे की रणनीति क्या होगी? आगे रणनीति तो पहली रणनीति ये है कि तत्काल 2 दिन के अंदर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से मिलेंगे। तो पहली रणनीति ये है, मिलने के बाद उनको पूरी बात समझाई जाएगी कि आंदोलन के चलते किस तरीके से इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं के ऊपर कार्रवाई हुई है, और उनको एक डेडलाइन दिया जाएगा। और अगर उसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानती तो फिर आंदोलन तो खुला हुआ है, हम लोग आंदोलन करेंगे। आपने कहा कि दिसंबर के बाद, जनवरी में हो सकता है कि 5 दिसंबर के बाद एक बड़े आंदोलन की तैयारी में जुटेंगे सही का? निश्चित तौर से 5 जनवरी तक हम सरकार को अल्टीमेटम देंगे कि आप 5 जनवरी तक जितने लोगों को निकाले हैं इनको वापस लीजिए, उसके बाद फिर बात बढ़ेगी आगे। तो 5 जनवरी तक अगर सेविका सहायिका को अगर सरकार वापस नहीं लेती है, तो माले विधायक संदीप सौरभ ने भी अल्टीमेटम दिया है कि अगर 5 जनवरी तक 18,220 सेविका सहायिका को जो चयन मुक्त करके सेवा से बाहर किया गया है उसको पुनः वापस नहीं लिया जाता है, तो आगे हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। धन्यवाद, ऐसी तमाम खबरों के जुड़े रहे हमारे साथ।